दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो पुलिस के समक्ष एक चुनौती के रूप में है और समाज की भी समस्या है। इसका उल्लेख डीजी परिपत्र संख्या 18/2011 में किया गया है। इनके आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या होती है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति यदि पुलिस को मिलता है तो वह उसे कहाँ ले जाए। यह प्रश्न जिस भी पुलिस वाले को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मिलता है तो सबसे पहले ही वह सोच के परेशान हो जाता है कि इसका हम क्या करें। अब तो 100 नंबर की सूचना पर भी पुलिस को जाना पड़ता है कि यहाँ कोई बीमार व्यक्ति है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। तो अगर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए, इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए जो इस प्रकार। सबसे पहले मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को बीमार व्यक्ति जब पुलिस को मिले तो वह उन्हें निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे और यही पेश करने के संबंध में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के निर्देश प्राप्त हुए। प्रोविजन ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के सेक्शन 23 में पुलिस अधिकारियों के अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में इस प्रकार व्यवस्था की गई है। धारा 23(1) एवरी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के, इसकी उपधारा ए है, में टेक आर कास टू बी टेकन इन टू प्रोटेक्शन एनी पर्सन फाउंड वांडरिंग एट लार्ज विदिन द लिमिट्स ऑफ दिस स्टेशन हुम ही हैज रीजन टू बिलीव टू सो मेंटली इल एज टू बी इनकैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड powers and duties of police officer in respect of certain mentally ill persons. B. Said take or cause to be taken into protection any person within the limits of the station who he has reason to believe to be dangerous by reason of mental illness. Second, so no person taken into protection under subsection 1 shall be detained by the police without being informed as soon as may be of ground of taking him into such protection or where in the opinion of the officers taking the person into protection such person is not capable of undertaking those grounds without his relatives or friends, if any, being informed of such grounds. Third, every person who is taken into protection and detained under this section shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of taking him into such protection, excluding the time necessary for the journey from the place where he was taken into such protection to the court of the magistrate, and shall not be detained beyond the set period without the authority of the magistrate. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। लेकिन मैं आप लोगों को व्यावहारिक रूप इसका बताना चाहूँगा
व्यावहारिक रूप ये है, जब वह मिल जाए तो संबंधित थाने को थाने पर ले आए, थाने पर ले आकर उसका जीडी में तस्करा अंकित करें और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट्स के समक्ष उसे ले जाएं। मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उसे फिर डॉक्टर को दिखाने ले जाएं। डॉक्टर जब उस पर मेंटल लिख देगा तो नियरेस्ट मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएगा, नहीं तो वह थाने पर ना ही रखने का स्थान है और ना ही रखा जा सकता है 24 आवर के बाद। इसलिए यह 60 नियम और जितनी जल्दी हो सके इसको पूर्णतया फॉलो करें और उसकी सुरक्षा करें। धन्यवाद।